रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज हम 8 का टेबल करेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन होती क्या है। मल्टीप्लिकेशन जो है या ज़रब जो है वो रिपीटेड एडिशन है। जैसे ये दो सेट्स हैं 4-4 ऑरेंजेस के, तो हम इनको 4+4 भी लिख सकते हैं और 2×4 भी लिख सकते हैं, यानी 4 को 2 दफ़ा जमा करना तो जवाब 8 आएगा। इसी तरह आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास 4 सेट्स हैं जिनमें हर में 3 बॉल्स हैं, तो हम बजाय 3 को 4 दफ़ा लिखें हम 4×3 कर लेते हैं, तो आंसर वही 12 आएगा। एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन या ज़रब जो है वो जमा का शॉर्टकट है, जिसमें इक्वेशन में पता चलता है कि एक नंबर को कितनी दफ़ा जमा किया गया है। जैसे आप देखें कि अगर हम 2 दफ़ा 5 ऑब्जेक्ट्स को जमा करें तो जवाब 10 आएगा। हम इसको 2×5=10 भी लिख सकते हैं। अब 0 का असूल ये है कि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, और जब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब 0 ही आता है, 1 से, 2 से, 3 से या किसी भी बड़े नंबर से। तो प्यारे बच्चों, बिजनेस करना चाहते हो, नफ़ा हासिल करना चाहते हो, तो अल्लाह से बिजनेस करो। अल्लाह जो है वो हमेशा फ़ायदा ही अल्लाह की ज़ात देती है। अल्लाह हमारा मालिक है, राजिक है, और अल्लाह ताला कहता है कि हर काम पर 700 गुना अजर दूंगा, यानी एक अच्छा काम करोगे तो 700 गुना ज़रब दे के उसको तुम्हें वापस करेगा। लेकिन अच्छे काम कौन से, हमें कैसे पता चले अल्लाह को कौन से काम पसंद हैं? तो प्यारे बच्चों, उसके लिए अल्लाह ने जो किताब भेजी है उसको मजबूती से पकड़ लो, सीधे रस्ते पर पढ़ जाओ, और वो सीधा रास्ता कुरान पढ़ने से पता चलता है। कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ो, जो ज़ुबान समझ आती हो। तो आए हम अपनी मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं। आप समझें कि ये आपके पास एक फूल है जिसकी 8 पत्तियां हैं। अगर आपके पास एक फूल हो तो कितनी पत्तियां आ जाएंगी? तो 1×8=8। अगर आपके पास एक फूल और आ जाए तो आप 8 में 8 ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा। आप नंबर लाइन पर भी 8 ऐड कर सकते हैं। तो इसका हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2×8=16। और फिर आपके पास तीसरा फूल आ गया तो आप 16 में तीसरा 8 ऐड करेंगे तो 24 आ जाएगा। 16 से आगे 8 ऐड करें, और इसको हम 3×8=24 भी लिख सकते हैं। फिर आपके पास एक चौथा फूल आ गया तो आपने 8 पेटल्स और ऐड कर दिए और आपको 32 आंसर आएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4×8=32। और फिर आपके पास एक पांचवा फूल आ गया, आप 32 से आगे 8 काउंट करें तो आपके पास 40 आता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5×8=40, यानी आपके पास अब 40 पेटल्स हो गए हैं। इसी तरह आप 40 में ऐड करेंगे 8 और, तो आपके पास 48 आ जाएगा। तो टोटल आपके पास 6 फूल हो गए। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6×8=48। और अगर आपके पास एक सातवां फूल आ गया तो आप 48 में उसके पेटल ऐड करेंगे तो आपके पास 56 आ जाएगा। और आप इसको 7×8=56 भी लिख सकते हैं। और फिर आपके पास एक आठवां फूल आ गया, आप 56 में 8 और जमा करेंगे तो आपके पास 64 आ जाएगा। और आप इसको 8×8=64 भी कर सकते हैं। और इसी तरह आप अगर 64 में एक और 8 पेटल्स ऐड करेंगे तो 72 आंसर आएगा। और 9×8=72, यानी 8 को 9 टाइम प्लस करें तो 72 आंसर आता है। इसी तरह आपके पास एक दसवां फूल भी आ गया तो आप 72 में 8 ऐड करेंगे तो आपके पास 80 आ जाएगा। तो 10×8=80। तो अगर आप देखें तो 8 का जो टेबल है, इट इज़ अ स्किप काउंटिंग ऑफ 8। और आप अगर इस तरह से अरेंज करें कि 1, 2, 3, तो आपके पास ये पूरा टेबल है। तो आपको उम्मीद है समझ आया होगा लेसन। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अच्छी तरह से इस टेबल को याद करें।